ब्रजेश राय जी, क्योंकि एजुकेशन के सेक्टर में वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनके पास अभी मैं जो पढ़ रही थी 18 डिपार्टमेंट अभी संभाले, क्योंकि सत्येंद्र जैन के भी कुछ डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, ठीक है। एक्साइज पॉलिसी पर अभी तक कोई बात मेरे सामने तो आई नहीं कि भाई आप कहें कि बहुत अच्छी थी फिर वापस क्यों ले लिया, एक बेसिक सा सवाल है। अब आप लोग खरीदेंगे, आप लोग धमकाएंगे पहले सीबीआई ईडीआई और उसके बाद आप लोग प्रलोभन दे रहे हैं, सीधा चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का तो सबसे बड़ा नया अपडेट यही है इस मामले में। आप लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो अंजलि जी थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको बता देना चाहूंगा कि पहले उनको जानकारी होना चाहिए कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को चिट्ठी लिखी कि आबकारी नीति में कुछ घोटाला हुआ है। जो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी है वो ये बात कहता है, पहली बात, एक बार समझने की बात है। और जब इस पे प्रक्रिया शुरू होती है तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगभग एक साल से, जब से पॉलिसी आई है, सड़क पर इस पॉलिसी का विरोध कर रहा है, नीचे से नीचे तक का कार्यकर्ता, हमारा मंडल तक का कार्यकर्ता इसकी लड़ाई लड़ रहा होता है। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में करप्शन हो रहा है, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और ये बार बार जब हम करप्शन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो उसका जवाब देने के बजाय वो नई नीतियों की, एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं। अभी तो एजुकेशन की बात की बात, वो अपने मुंह से कह रहे हैं ना कि एजुकेशन में अच्छा हुआ है, उसकी भी बात में पता चलेगा। दूसरी बात, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, और मैं बता देता हूं परत दर परत, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि अर्जुन पांडे, जिन पर सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई, उनके अतिशी से क्या संबंध है, जवाब दें। वो जो ढल है, अमनदीप ढल है, उनके सौरभ भारद्वाज से क्या संबंध है, उसका जवाब दें, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जवाब देना चाहिए ना। आके हम आबकारी नीति के घोटाले की बात कर रहे हैं कि इसमें करप्शन हुआ है, हम कह रहे हैं 144 करोड़ रुपए जो आप ठेकेदारों के माफ कर देते हो, किस नियम के तहत, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के कैसे आप माफ कर देते हैं, किस प्रक्रिया के तहत आपने माफ किया? देखो ना, दिल्ली की जनता जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, लिए मनीष सिसोदिया आके जवाब दे। पहले पहले ये कहा गया कि 8000 करोड़ का स्कैम हुआ है, इस पर आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं कि बाद में इसे 1100 करोड़ कर दिया गया, उसके बाद 144 करोड़, फिर 30 करोड़ पर आया और एफआईआर में 1 करोड़। ठीक है, मैं आपसे शॉर्ट में पूछ रही हूँ सर, क्योंकि मुझे बाकियों के रिएक्शन लेने हैं, क्या कोई ऑफर दिया गया या ये आरोप जो लगा है ये यूं ही है? देखिए, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की पुरानी आदत है, केजरीवाल जी की, कि जब कुछ इनके ऊपर करप्शन, भ्रष्टाचार और ये सब सारे विषय उठते हैं ना, तो ये बार बार कहते हैं कि मेरे अरविंद केजरीवाल, ये बड़ी बचकानी किसी मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के बहुत शोभा नहीं देता है। क्यों कहते हैं कि मुझे कोई भाजपा के बड़े, अरे किसने कहा बताइए ना, किसने कहा? मनीष सिसोदिया जी का मोबाइल, सीबीआई मनोज तिवारी जी ने कहा ना कि, सुन लीजिए एक मिनट, हेलो सर जल्दी बोलिए, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है आप। हाँ, मनोज तिवारी जी ने कहा ना कि आपका, आप कहते हैं कि मेरा मोबाइल और लैपटॉप सीबीआई लेके गई, तो किस मोबाइल में मैसेज आया आपको, माध्यम क्या है? जैसे सारी बातें आप बोल रहे हैं ना, आप बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने संपर्क किया। देखिए, अपने बचने का बहाना है, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि वो खुद आना चाहते हैं बीजेपी में अपने बचने के लिए, लेकिन कहीं बचने वाले नहीं। लेकिन ये भी जेन्युइन सवाल है ना, पहले आप कहीं 8000 करोड़ का स्कैम हो गया, फिर 1100 करोड़ की बात हो जाए, फिर उसके बाद 144 करोड़, फिर 30 करोड़, और एफआईआर में 1 करोड़। स्कैम है ना जी, सुनिए ना सर, सुनिए तो सही, स्कैम तो इस देश में बड़े बड़े स्कैम हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क भी लगाया, अभी उस पर नहीं जाएंगे ना, उस पे नहीं जाएंगे। मैं जो सुनिए ना, सुनिए प्लीज, आज प्लीज आपका पॉइंट आ गया, मैं सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रही हूं कि वो अपना काउंटर करेंगे, आप अपना डिफेंड कीजिए, सिंपल सी बात है ना।